आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। ना बैठे बैठे प्लीज प्लीज सर। महामहिम राष्ट्रपति जी के सुंदर अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। हमारे देश के नॉट गॉन ऑन रिकॉर्ड, बैठिए ना प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। पाटिल जी प्लीज कंटिन्यू। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार का दृष्टिकोण मिनिस्टर प्लीज प्लीज और योजना उनके क्रियान्वयन का दृढ़ संकल्प परिलक्षित है। हमारे राष्ट्रपति जी के भाषण में सरकार द्वारा कर चोरी, काले धन, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज, नोटबंदी, सतपति जी प्लीज कोऑपरेट, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद तथा नारी शक्ति के उत्थान की बात की गई है। मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करूंगा दो तीन मुद्दों के ऊपर। नारी शक्ति उत्थान किस तरह से हमारे सरकार के माध्यम से हुआ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नारियों को रिक्शा चलाना सिखाया गया, उनको लाइसेंस दिया, उनको परमिट दिया, उसके बाद में मुद्रा बैंक के माध्यम से उनको लोन देके उनके पैरों पे खड़ा करने का काम हमारे सरकार के स्किल डेवलपमेंट और मुद्रा बैंक के माध्यम से हुआ। यहाँ पे हमारे कुछ साथी ने कहा, जिन्होंने नोटबंदी का निर्णय किया उनके लिए जनता वोट बंद करेगी, लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में हाल ही में महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हुए। नोटबंदी करके एक सप्ताह भी नहीं हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र के जनता ने नोटबंदी के हमारे प्रधानमंत्री के निर्णय के ऊपर सबसे ज़्यादा नगर पंचायत नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष चुन के मोहर लगाई। ये नोटबंदी का असर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हक में लोगों ने वोट देके दिखाया है। सही मायने में हुआ क्या, जिन्होंने नोटबंदी का विरोध किया उनको वोट देने के लिए जनता ने विरोध किया। सही मायने में नोटबंदी का ये असर महाराष्ट्र में दिखाई दिया, अभी देश में भी वो दिखाई देगा। लोग कह रहे किसान बर्बाद हो रहा है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी गांव से आता हूँ, मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया। नोटबंदी का असर कहीं गांव में दिखाई दे ना कि किसी किसान के ऊपर दिखाई दिया। ये हमारे लोग बेचैन क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2500 साल पहले चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर काला धन वाले, भ्रष्टाचार करने वाले और आतंकवादियों के खेमे में, टोली में अगर हाहाकार मचा है तो समझना चाहिए कि हमारे देश का राजा चरित्रवान और प्रतिभा संपन्न है। उस वक्त राजा थे, प्लीज कंक्लूड, अब प्रधानमंत्री है। सर एक मिनट में प्लीज कंक्लूड। और ये भी समझना चाहिए कि हमारा देश प्रगति पथ पर है और अग्रेसर है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमसे मांगे जाते हैं। मैं कहता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत हमें देने की जरूरत क्या है। अगर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया तो पाकिस्तान क्यों बौखला हुआ है। पाकिस्तान बौखला है इसका मतलब यही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। हमारे कुछ साथी ने कहा विदेश नीति के बारे में, विदेश नीति हमारे प्रधानमंत्री को सिखाने की बात कही कि हमारी विदेश नीति क्या है, यूपीए की विदेश नीति या नीति। एक मिनट नहीं, एक सेंटेंस में कंप्लीट हो गया अभी, टाइम हो गया। जो प्रधानमंत्री दूसरे के छाया में काम करता था तो उसकी छाया भी, जो दूसरे के छाया में काम करता है उसकी छाया भी कभी उसके साथ में नहीं रहती है। अपने छाया को अगर अपने साथ में रहना है तो खुद को धूप में तपाना ही पड़ता है। तो हमारे प्रधानमंत्री
खुद को धन्यवाद जी तपा के श्री तथा हमारे देश को प्रगति पे उन्नति पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मिनट्स यू नो